नमस्कार, एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश का इंदौर जिला वो जिला है जहां पर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की सरकार को राजस्व मिलता है, और ऐसे में इंदौर आरटीओ ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि जो दो पहिया वाहन चालक हेलमेट लगाकर नहीं चलेंगे उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। क्या वाकई में लाइसेंस निरस्त करने का ये फैसला नॉनसेंस है, और इस पूरे फैसले को लेकर आखिर क्यों है इंदौर के तमाम जनप्रतिनिधि मौन? क्या वजह है कि नेताओं की चुप्पी यहाँ पर टूटने का नाम नहीं ले रही है? इस खास पेशकश में हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार श्री सुदेश तिवारी जी, जो कि बताएंगे कि किस तरह से जनप्रतिनिधि आखिर क्यों मौन है और क्या वजह है कि आरटीओ के अमले को इतना बड़ा ये फरमान सुनाना पड़ रहा है और जिसकी सजा सीधे तौर पर इंदौर की भोली भाली जनता भुगत रही है। तिवारी जी, आपका क्या है सीधा कहना? बिल्कुल महन जी, सबसे प्रमुख बात है कि ये जो बात सामने आ रही है, पिछले साल कैलाश विजयवर्गीय जो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने भरी मीटिंग में कहा था कि अफसरशाही बेलगाम है, और उस समय दूसरे विभागों को लेकर कहा था। अब यहाँ पर जो बात सामने आ रही है, सबसे प्रमुख बात यह है कि परिवहन विभाग के जो अफसर हैं इनकी नियुक्ति को लेकर हम बात करना चाहेंगे। इसको लेकर भी क्या चलता है सबको पता है, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को पता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों एक बयान दिया था, कहा था कि जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, परिवहन विभाग के जो आरटीओ हैं, वो चंबल के डाकुओं से भी खतरनाक हैं, यानी उससे भी ज्यादा बड़े लुटेरे हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह के का जिसके बारे में कहा गया हो और वो इस तरह का फरमान जारी करे इंदौर की जनता के लिए, हेलमेट लगाना अनिवार्य है, अच्छी बात है, लोगों की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक भी होना चाहिए, हेलमेट लगाना भी चाहिए, लेकिन आप लाइसेंस रद्द कर देंगे, कल को कहेंगे कि हम हेलमेट नहीं लगाए तो आपका वाहन जब्त कर लेंगे, और ऐसी स्थिति में दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सोशल मीडिया पे एक जंग बहस से छिड़ गई है, कहीं ना कहीं जो लोग हैं इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं, और दुर्भाग्य की बात है न भाजपा न कांग्रेस दोनों ही तरफ से एक भी जनप्रतिनिधि क्यों मौन है, अपने आप में बड़ा सवाल। इसके पीछे एक कारण और भी महन जी हो सकता है कि जो स्थानीय संगठन है, सत्ता और संगठन में जो बीच का जो कहीं ना कहीं गैप है, और सत्ता की तरफ से जो संगठन के लोगों पर दबाव रहता है, उसका असर यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ लोगों ने संगठन के लोगों का जो लहजा था, कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी, लेकिन जो फटकार उनको मिली थी बंद कमरे में, उसके बाद से उसके डर के चलते जो अफसरशाही है, जो आदेश दे रही है, जिस तरह आम जनता भुगत रही है, 100 लाइसेंस रद्द भी किए गए, अपने आप में तुगलकी फरमान है, और इस तरह की जो फरमान है कहीं ना कहीं आम जनता इससे परेशान है, और सबसे बड़ा सवाल है कि नेता चुप क्यों हैं? बिल्कुल ठीक बात है। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन इस तमाम फरमान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जहां एक और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर लगातार अफसरशाही हावी होने के आरोप लगते आए हैं, उसी क्रम में मिनी मुंबई में लगातार चौराहों पर जारी चालानी कार्रवाई के बाद तो अब जरूर कई तरह के सवाल जनमानस के मन में हैं। सुदेश जी, आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में ये बहुत गैर वाजिब बात नहीं है कि सुबह सुबह जब दो पहिया पर एक नौकरी पेशा व्यक्ति निकलता है और उसे चौराहे पर न केवल उसका चालान काट दिया जाता है हेलमेट ना पहनने की सजा के तौर पर, बल्कि उसका लाइसेंस ही निरस्त कर दिया जाता है? देखिए महन जी, सबसे प्रमुख बात है कि सामान्य तौर पर आप भी घर से 100 मीटर की दूरी पर सब्जी भी लेने गए तो उस दौरान आप हेलमेट नहीं लगाते हो, और आरटीओ साहब के परिवार के लोग भी नहीं लगाते होंगे। लेकिन सबसे शर्मनाक बात है कि इस तरह का फरमान जारी होने के बाद मध्य प्रदेश के मुखिया अपने आप को संवेदनशील कहते हैं, ऐसी स्थिति में क्या वो सोए हुए हैं? क्योंकि इंदौर के अखबारों में इतनी खबर छप रही है, सोशल मीडिया पे इतनी बहस चल रही है, ना ही कोई नेता, ना ही कोई बड़ा अफसर प्रदेश का या इंदौर के जिलाधीश क्या वो क्या कर रहे हैं, और पुलिस उसका फरमान है उसको पूरा करने में लग गई है। सबसे बड़ा शर्मनाक बात यह है, पुलिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चालानी कार्रवाई होना चाहिए, हेलमेट ना लगाएं, यातायात के नियमों का पालन ना हो, उस पर चालानी कार्रवाई हो। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि क्या इस तरह का आदेश दिया जा सकता है? कल को कोई और भी आदेश आ जाएगा कि आपके घरों में जो गाड़ियां खड़ी हैं उनको परिवहन विभाग जब्त करेगा, इस तरह का भी आदेश आ सकता है। तो अगर परिवहन विभाग का अधिकारी अपने आप को खुदा समझ रहा है तो ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधियों को सामने आना चाहिए, और निश्चित तौर पर अपने आप में गलत है। अगर कोई हेलमेट लगाने के अगर बात करी जाए महन जी, सबसे प्रमुख बात है शहर के यातायात की व्यवस्था, आप कभी भी वाहन चला
कर देखें, हेलमेट पहनकर वाहन चलाएं और नॉन हेलमेट पे चलाएं। निश्चित तौर पर सुरक्षा होती है हेलमेट से, लेकिन उस तरह की व्यवस्था आपकी यातायात की सड़कों पर नहीं है। शहर के अंदर अगर आप चलते हैं, आप हेलमेट लगाते हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपको इतनी आसानी वाहन चलाने में नहीं होती। लोगों को लगाना चाहिए हेलमेट, लेकिन इस तरह का फरमान निश्चित तौर पर अपने आप में, एक बार फिर से कहूंगा, तुगलक की है। और जो 35 लाख की आबादी का शहर है, उनके कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को आहत किया जा रहा है। और वो नेता जो चुनाव के समय वोट मांगने जाते हैं, बड़े बड़े मुद्दों की बात करते हैं, कांग्रेस हो या भाजपा, आखिर क्यों सोए हुए हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक बात है, कहीं ना कहीं हेलमेट पर हल्ला बोल है। हेलमेट पहनना हमारी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और इंदौर की जनता इतनी समझ तो जरूर रखती है कि उसे घर से जब भी निकलना हो दोपहिया वाहन पर, तो हेलमेट पहनकर ही निकले। लेकिन यहाँ पर RTO का अमला यदि आपका लाइसेंस ही निरस्त कर दे, तो ये जरूर एक कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, एक नॉनसेंस कदम यहाँ पर सरकारी महकमे का नजर आता है। जाते जाते सुधीर जी, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो उनके पास कोई चुनावी मुद्दा इन दिनों नजर नहीं आ रहा, ऐसे में स्थानीय स्तर पर एक ये बड़ा मुद्दा हो सकता है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ऐसे तो सड़कों पर जैसे ही व्यापम मामले में क्लीन चिट मिलती है तो दिवाली मनाने के लिए भाजपा ही उतर जाते हैं, लेकिन जब जनता को दर्द होता है तो उस पर मलहम लगाने के लिए कोई राजनीतिक दल आगे नहीं आता। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस 3 बार से सत्ता में इसी कारण से नहीं है कि विपक्ष की भूमिका जो होना चाहिए, जनता की आवाज जो उठाना चाहिए वो नहीं उठ रही है। एक विधायक जीतू पटवारी उठाते रहते थे, लेकिन शायद वो अभी या तो उनको भी इस बात की जानकारी नहीं होगी या वो गुजरात चुनाव में बिजी हैं। साथ ही कांग्रेस, जो बाकी कांग्रेस की बात करें, वो तो यही स्थिति रही तो शायद अगले चुनाव में भी वही हश्र होगा, लेकिन भाजपा की तरफ से जो काफी वोट लेते रहे लोगों से, जनता से, और उनकी तरफ से इस पर ना बोलना वही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन दोनों का जो समन्वय होना चाहिए वो नहीं है। और सत्ता पक्ष का दबाव, जो सत्ता में बैठे नेता हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, उनका दबाव कहीं ना कहीं संगठन के लोगों पर भी है और साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भी है। इसीलिए चुप्पी साध रही है, साध रखी है भाजपा के नेताओं ने, और जनता भुगत रही है। निश्चित तौर पर ये पब्लिक है, सब जानती है महन जी। बिल्कुल ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं एक विडंबना का विषय है कि इंदौर वो शहर है जहां की सांसद लोकसभा की अध्यक्ष है, जहां पर महिला प्रतिनिधि शहर की प्रथम नागरिक है, 8-8 सत्ता पक्ष पार्टी के विधायक हैं, बावजूद उसके एक भी विधायक और एक भी जनप्रतिनिधि जनता के इस दर्द पर मलहम लगाने के लिए आगे नहीं आता। MP न्यूज लगातार जनमानस से जुड़े तमाम सवाल उठाता रहेगा। लगातार अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए MP न्यूज पर। धन्यवाद।